हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एजुकेशन में। इस वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट के और थर्ड शिफ्ट के जो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं 7 जून को, तो वो हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे एक आई का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो जल्दी से हम फटाफट सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एनजीटी के चेयरमैन पूछा गया था। तो एनजीटी के चेयरमैन जो है वो आदर्श कमल गोले, तो ये आपको याद रखना है, एनजीटी के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो एशिया में कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट रिवर्स की बात किया जाए तो यांजिंग, जो कि बात की जाए तो चाइना से निकलती है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, यांजिंग। ओके, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया था कि लाल किला और जामा मस्जिद जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो आई होप ये आपको पता होगा सभी को, शाहजहां के द्वारा जो है ये बनवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रिवर विच फ्लो थ्रू हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्री। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्री का पूछा गया है, कौन सी रिवर है जो सबसे ज्यादा कंट्री में बहती है। तो आपको याद रखना है, नील रिवर। तो इसका आंसर हो जाएगा नील रिवर। अगला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन पूछे गए थे जीवी बॉक्सिंग टूर्नामेंट से। तो इस तरीके से जीवी बॉक्सिंग टूर्नामेंट से दो क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चनों का आइडिया नहीं है, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, विलियम क्रुक्स डिस्कवर व्हाट। तो विलियम क्रुक्स ने जो है वो क्या डिस्कवर किया था। तो ये इन्होंने किया था थेलेनियम। ओके, थेलेनियम, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिच रेटिंग रिड्यूस इंडिया। तो फिच रेसिंग इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर जो है डिक्रीज हो गई है। पहले थी वी वी प्लस और बी 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 माइनस, जो है ये रेटिंग गिर गई है। तो ये जो है ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज ऑफ मैडम क्यूरी रिलेटेड टू विच। तो मैडम क्यूरी को जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, दोनों के लिए मिले थे। तो एक तो मिला था रेडियो एक्टिविटी के लिए। ओके, तो जो कि 1903 में जो है मिला गया था। और इन्होंने जो है वो पोलिनियम भी, इसके लिए पोलोनियम के लिए भी जो है वो इनको नोबेल प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो पूछा गया है, महाराजा सवाई द्वारा कौन से क्या बुल्ट किया गया था। तो ये जो है वो जयपुर फोर्ट जो है इनके द्वारा बुल्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु गॉट ए नोबेल प्राइज फॉर द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की बात की जाए तो नर्वस सिस्टम होता है, तो न्यूरॉन एक इकाई होती है नर्वस सिस्टम की, तो उसी से रिलेटेड। तो ये जो मिला था, कैमिलो गोगल गोल्गी गोल्गी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो इससे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर पूछा गया है डिस्कवर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर जो है किसने किया था। तो आई होप ये पता होगा, जे जे थॉमसन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द पीएम ऑफ इंडिया व्हेन नेशनल एमरजेंसी बिटवीन 1975 से 1977। तो ये आपको पता होगा, इंदिरा गांधी जो थी इस टाइम की पीएम थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल एम्प्रायर जो थे वो 13 ईयर में, 13 साल के थे, उनके पिताजी जो है वो, उनका देहांत हो गया था, वो मारे गए थे। तो कौन थे वो, अकबर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जो अमेंडमेंट हुआ है एजुकेशन से, तो एवरी वन वॉज इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पर बात की जाए तो अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, एवरी वन वॉज इंट्रोड्यूस। तो 86 जो है अमेंडमेंट था यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड। ओके, जो कि 2002 में जो है स्टार्ट हुआ था, बल्कि 2002 में 9 में जो है इसे पारित किया गया था, लागू किया गया था। तो 2009 में जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इफ द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन एक्सीड देन व्हाट दिस इज कॉल्ड। तो एक्सीड यानी यहाँ पर पूछा गया है, एक्सीड हुई है तो देखो डिफिसिट हो जाती है यानी कम हो जाती है, और सरप्लस जो होती है वो एक्सीड हो जाती है। चलिए अगला को देखते हैं, यहाँ पर हु गॉट ए नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग एक्सरे। तो एक्सरे के जो है नोबेल प्राइज किया हो तो वो किसके द्वारा, तो विल्सन कौन से रॉन्ट द्वारा जो है वो एक्सरे जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो एक्सरे के डिस्कवर नोबेल प्राइज जो मिला था, विलियम कोर्गो रॉन्ड द्वारा, जो कि 1901 में जो है इनको मिला था। अगला क्वेश्चन है, अकबर विक्ट्री इन राजस्थान। तो अकबर जो है विक्ट्री इन्होंने जीत की थी, तो ये हल्दी घाटी का है, आपको याद होगा, राजस्थान हल्दी घाटी
तो ऐसे रिलेट करके आप याद रखिएगा। एक भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड था, तो भक्ति मूवमेंट की बात की था तो बहुत फेमस, बहुत सारी पर्सनैलिटी थी, तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चन दिया था और क्या ऑप्शन थे उसमें। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, लोकताक लेक, ओके, लोकताल भी, ताल या लेक जो है वो कहाँ पर है, तो ये जो है वो मणिपुर में है, ओके, तो मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन है, एशियन गोल्ड जो है कितने साल बाद होते हैं, तो ये आपको पता ही होगा, 4 साल बाद जो है इसका आंसर हो जाएगा, 4 साल बाद होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है, यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस से पूछा गया है, तो आई होप ये सबको पता होगा, विटामिन ए की डिफिशेंसी यानी कमी से जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी जो होती है वो हो जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था बेस ईयर ऑफ IIP, तो बेस ईयर यहाँ पर बात की जाए तो ये डिसाइड करता है CSO, तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है किस तरीके से क्वेश्चन था और क्या ऑप्शन ऑप्शन दिए थे। कुतुब मीनार किसके द्वारा बिल्ट किया गया था, तो आई होप आप पता होगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है वो ये निर्माण किया गया था, कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, तो फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर कौन है, बाबर, तो ये मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। और अगला क्वेश्चन है जो फिफ्थ सिख गुरु कौन थे, तो सिक्स गुरु कौन थे, सॉरी फिफ्थ गुरु जो थे वो अर्जुन देव, ओके, तो अर्जुन जो थे वो सिक्स फिफ्थ गुरु थे सिख के। गोल्डन टेम्पल जो है किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये रामदास द्वारा जो है इनके निर्माण कराया गया था, बुल्ट कराया गया था गोल्डन टेम्पल। अगला क्वेश्चन है कृष्णा रिवर जो बिटवीन विच स्टेट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट, तो ये कृष्णा रिवर की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसमें ऑप्शन दिए थे, तो उस हिसाब से आप इसका ऑप्शन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ द रेसलर हु वॉन द गोल्ड मेडल 65 kg फ्री स्टाइल, तो बजरंग पुनिया, ओके, तो बजरंग पुनिया जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द एक्ट्रेस हु इज मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैंपियन रिलेटेड टू गर्ल सेविंग, तो यहाँ पर गर्ल सेविंग की बात की गई, तो परिणीति चोपड़ा, ओके, तो परिणीति चोपड़ा जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा परिणीति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला जो है वो क्या पूछा गया है, ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और छूटे गए थे, तो ये मैं बता चुका हूँ, जो 24 नंबर के एडमिरल थे वो करमबीर सिंह, तो ये मैंने फर्स्ट शिप में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये जो है वो इसमें आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस ये भी बता चुका हूँ, तुलसीदांत बन क्वेश्चन जो था पॉपुलेशन से पॉलिनेशन बाई एयर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, वो फ्लेवर हो जाएगा, फ्लोवर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी मैं बता चुका हूँ, नेपाल को कितनी करेंसी जो 2.1 बिलियन जो है दी गई थी। और अगला जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके एम्बेसडर कौन थे, तो ये बात की जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, तो जो पद्म लक्ष्मी थी, तो UNDP के ब्रांड एम्बेसडर है पद्म लक्ष्मी या पद्म लक्ष्मी। अगला बात की जाए पॉलिनेशन ऑफ द प्लांट बाई वर्ड इज कॉल्ड, तो वर्ड यहाँ पर बात की जा रही है, तो वर्ड का आपको सिनोनिम अगर पता होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, तो ओरिंटोफिली जो है इसका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब बनाया जाता है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे बनाया जाता है, ये अपना बनाया जाता है 23 मार्च को, कब से बनाना हुआ था, 1950 से जो है स्टार्ट हुआ था ये बनाना। यहाँ पर पूछा गया है सन ऑफ अखबार टुक नेम विच मीन्स द कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पर अकबर के सन का नाम पूछा है, तो जहांगीर जो है इसका आंसर हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर फ्री कंपलसरी एजुकेशन से पूछा गया है अगला क्वेश्चन, तो मैं बता चुका हूँ 86 जो है इसका आंसर हो जाएगा, अमेंडमेंट हुआ था जो कि 2009 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ताजमहल किसके द्वारा, तो ताजमहल जो है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, अगर शाहजहां ऑप्शन में ना दिया हुआ तो उस्ताद अहमद लोहरी और उस्ताद ईसा के द्वारा बनवाया गया था या उनके द्वारा काम किया गया था, अगर शाहजहां ऑप्शन ना दिया हो, तो ये क्वेश्चन थे जो कि 7th के सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें,
और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी अभी तक की शिफ्ट हैं, आने वाली शिफ्टों में मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूं। तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे।